भाई आपके लिए एक ही बहुत बड़ा एक खराब न्यूज़ है, बट अभी टाइम है इसलिए इस न्यूज़ को अगर पहले ही आपको पता लग जाएगा तो कहीं ना कहीं आपका जो कैंपस प्लेसमेंट का प्रॉब्लम है आप थोड़ा कंपेंसेट कर पाओगे। एक्चुअली क्या था, 2022 तक कैंपस प्लेसमेंट भर भर के हुआ है, स्पेशली आईटी सेक्टर में। मतलब क्या बताऊँ आपको, जिसको आता है थोड़ा सा उसको भी जॉब मिल गया है, चाहे कंपनी वालों ने क्या करा, बेंच पर रख दिया। बेंच पर मतलब क्या है भाई, हमारे पास अभी प्रोजेक्ट आएगा, आप काम करेंगे, अभी तो आप कंपनी में आओ, साइन मारो, पैसे लो फ्री का, ऐसा हुआ है। 2023 में क्या हुआ, प्लेसमेंट हुआ बच्चों का, तो बहुत सारे बच्चों का प्लेसमेंट तो हो गया, जॉब लग गया आपको लगा, लेकिन ज्वाइनिंग डेट नहीं आया। 2023-24 मतलब 2024 में कैंपस प्लेसमेंट का जो परसेंटेज है वो लगभग 70% कम होने वाला है, बहुत सारे कॉलेजेस में 70%। एक आईआईटी है जिसमें मिनिमम आपका पैकेज अगर आप ऑफर करते हो तभी वो अलाउ करते हैं कैंपस प्लेसमेंट के लिए, कितना, 12 लाख। नाम ही बताया तो आईआईटी दिल्ली। इस बार उन्होंने क्या करा है, इसको घटा के 9 LPA करा है कि भाई अगर 9 LPA आप अगर पैकेज ऑफर करते हो CTC तो आप हमारे कैंपस में आ सकते हैं कैंपस प्लेसमेंट के लिए। ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन क्या आपको बताता है कि भैया 2024 तक कैंपस प्लेसमेंट अच्छा नहीं होने वाला है। इसका और एक प्रूफ आपको देता हूं, बहुत सारे न्यूज आउटलेट्स ने भी इसको कवर किया हुआ है। आप सर्च करें कैंपस प्लेसमेंट तो देखेंगे 50-70% ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद ग्लोबल टेक स्लो डाउन, मेहिट आईआईटी बी प्लेसमेंट अगेन फिर से करेगा। उसके बाद बिग कंपनीज हेजिटेट टू हायर। उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट वॉन्ट हाई बट कंपटीशन येट टू लुक बैक, ये तो किसी और का है, चलो ये एक अच्छा न्यूज है यहाँ पर भी है। उसके बाद तक ये तो कोई एक एक मतलब सिंपल, अच्छा मतलब किसी कॉलेज का न्यूज़ है, नो कैंपस हायरिंग इन स्टूडेंट्स इन डायर स्टेट्स स्टेट्स दिस ईयर, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें कैंपस प्लेसमेंट का जो कंडीशन है बहुत अच्छा रहने वाला नहीं है 2024 में। इसके जो रीज़न क्या है, वार है और इकोनॉमिक कंडीशन है, प्लस कंपनी वालों ने बहुत ज्यादा बच्चों को हायर कर लिया था 2021-22 में, अब वो कहाँ जाएंगे। इसलिए बहुत सारे कॉलेजेस में क्या होने वाला है आपको बता देता हूँ, ये और खतरनाक है। मतलब आपका जॉब नहीं लगा कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो भाई आप कुछ सोचेंगे कि भाई मेरे को ये करना है, मैं हायर एजुकेशन ले लेता हूँ, कोई कोर्स ले लेता हूँ, आप सोचेंगे ऐसे बारे में। मान लो आपको ऐसा हुआ, आपको जॉब ऐसा बहुत होता है, कहाँ होता है इन जनरल, जिसमें आपने मान लो बीटेक में, कैसे कॉलेजेस का नाम नहीं बताऊंगा मेरे पीछे पड़ जाएंगे वो, बीटेक में मान लो आपने कितना खर्चा कर दिया 4 ईयर्स में, कैसे कैसे कॉलेज में ऐसा होगा आपको बता रहा हूँ, जहां पर मान लो आपने लगभग 20 लाख खर्चा कर दिया, 20 लैक्स खर्चा कर दिया। अब कॉलेज वालों को दिखाना होता है प्लेसमेंट भी, हमारे बच्चे का जॉब लगा है, वो क्या करेंगे, कंपनी वालों को बुलाएंगे, एचआर वालों को, प्लेसमेंट हो जाएगा आपका। प्रॉब्लम कहाँ आएगा, मैं ब्लैक में दिखा देता हूं भाई, ज्वाइनिंग डेट नहीं आएगा। तो ये कैसे कैसे कौन कौन से कंपनी के साथ हो सकता है भाई, किसी कोई भी साथ हो सकता है, सर्विस बेस्ड कंपनी में वो भी करते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं वो भी करते हैं। हालांकि सर्विस बेस्ड कंपनी में ज्यादा होता है इस तरह कहानियां और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में कम होता है ऐसे कहानी, तो ये ज्यादा खतरनाक होता है। तो समझ जाना है कैसे कि भाई कोई कॉलेज आपका है जहां पर आप 20 लाख का खर्चा कर दिए हो, 18-20 लाख, तो वहां पर कैंपस प्लेसमेंट करवा देंगे। लेकिन अगर मान लो एक जगह हो जाता है तो आप ठीक है, आप सोशल मीडिया पर शेयर करते हो, व्हाट्सएप पर, है ना, हमारे जमाने में फेसबुक पर शेयर होता था, आप व्हाट्सएप पर होता है, इंस्टाग्राम पर होता है, हमारे जमाना मतलब 2012 की बात कर रहा हूँ मैं, 10-11 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अभी क्या है, व्हाट्सएप शेयर कर देते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई एंजॉय मतलब खुशियाँ बांटना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए, बट आप दिमाग में बात डाल के रखना, भैया मेरा ज्वाइनिंग आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। तो आप एक कंपनी के भरोसे बैठे मत रहना, ये मेरा पहला सलाह है आपको,
यहाँ पर एक ही सलाह दूंगा भाई, डू नॉट सिट, आप एक जगह पर मतलब आप एक जगह पर मतलब डू नॉट डिपेंड ऑन ओनली वन कंपनी, डिपेंड मत हो जाओ कि भाई मेरे को यही जॉब लगेगा यही लगेगा, नहीं ऐसा नहीं है, आप दूसरे कंपनी के लिए ट्राई करते रहो और फिर जहाँ ज्वाइनिंग डेट पहले आता है ज्वाइन कर लो पहले। क्यों, रीज़न आपको बता रहा हूँ, अभी मैं देख रहा था, आप अगर सर्च भी करते हो नेट पर आ जाएगा कि जॉब सॉफ्टवेयर जॉब, डेटा साइंस जॉब्स, AI जॉब, साइबर सिक्योरिटी जॉब, क्लाउड इंजीनियर जॉब, जॉब्स बहुत हैं। मैंने हंड्रेड्स ऑफ उनके जो जॉब्स जिन्होंने पोस्ट किया है उनको मैंने एनालिसिस करा और देखा एक बात, क्या पाया, मैक्सिमम जगह पर क्या चाहिए भाई, मैक्सिमम जगह पर फ्रेशर नहीं चाहिए। ये जो फ्रेशर का टैग होता है ना, ये अच्छा नहीं होता है। मैक्सिमम जगह पर जॉब्स तो बहुत है पर कंपनी वाला क्या बोल रहा है, भाई हमारे पास टाइम नहीं है ट्रेनिंग देने के लिए, आपको काम आता है आ जाओ ज्वाइन करो काम मिल जाएगा, नहीं काम आता है आपको हम नहीं रख पाएंगे। तो ये फ्रेशर का प्रॉब्लम होता है, तो फ्रेशर का टैग हटाना बहुत जरूरी है। इसलिए एक कंपनी प्लेसमेंट हो गया कोई बात नहीं, आप बैठे मत रहो, ज्वाइनिंग डेट जहां से आया अब थोड़ा वेट कर सकते हो ले लो, फ्रेशर का टैग हटा दो, एक दो साल एक्सपीरियंस आएगा फिर जॉब की प्रॉब्लम आपको इतना नहीं आएगा। लेकिन फ्रेशर का टैग नहीं, आपने नहीं हटाया, आपका ईयर गैप आ गया, तब भाई जॉब लेने लो मिलता है, ऐसा नहीं मिलेगा, बट प्रॉब्लम ज्यादा होता है। सो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, फ्रेशर का टैग हटाना रियली में। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फेक मतलब क्या बोलूं आपको, फेक सर्टिफिकेट बना लेते हैं, फेक एक्सपीरियंस दिखाते हैं, वो मत दिखाया करो यार, फेक एक्सपीरियंस से आपका काम नहीं बनेगा। काम मान लो इनिशियली बन भी गया तो कंपनी वाले पकड़ लिए तो भाई आपको जॉब से फिर से निकाल देंगे, आप डीमोटिवेटेड बहुत ज़्यादा हो जाएंगे फिर। सो मैं सबको सलाह देता हूँ फेक एक्सपीरियंसेस नहीं दिखाने के लिए, बट कुछ लोगों को देखता हूँ फेक एक्सपीरियंस दिखा के जॉब कर रहे हैं, बट आई डोंट रिकमेंड। ठीक है, तो ये वाला एक कहानी हो गया आपका। अच्छा अब देखो, जो बच्चा फर्स्ट ईयर में इस तरह कहानी को देख रहा है उसको डर लग रहा होगा, आप डरने की जरूरत नहीं है भाई, बहुत कुछ है करने के लिए, पढ़ाई लिखाई अगर ढंग से कर लेते हो जॉब्स बहुत हैं, बहुत जॉब्स हैं, आप इजीली जॉब पा सकते हो, जॉब लेना बहुत आसान काम है, सच में बता रहा हूँ। आपको लगेगा सर कहाँ आसान है, भाई आसान काम है अगर आप तरीके से दोगे, बिकॉज जॉब का मतलब क्या होता है आपको समझाता हूँ। कोई कंपनी है मान लो, ध्यान सुनना, कोई कंपनी है, आप उसमें क्या है जॉब करेंगे तो भाई क्या होगा, जॉब क्या करेगा, जॉब क्या देगा आपको बता रहा हूँ। आप अभी मान लो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आपको ऑप्शन दे देगा जॉब EMI में एप्पल का फ़ोन लेने के लिए, जॉब इतना दे सकता है। लेकिन कंपनी का जो ओनर है, आप जैसे जितने जॉब कर रहे हैं हजारों बंदे, अगर उसके पास एक गो मर्सिडीज है वो भाई रोल्स रॉयल्स ले लेगा उसके बाद, तो जॉब ये है, इसलिए तो चाहेगा अच्छा बंदा है काम करे। तो जॉब लेने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अच्छा बंदा बनना पड़ेगा। अच्छा बंदा किसको बोलते हैं, जिसका एटीट्यूड अच्छा है, ठीक है, जो काम चोर नहीं है, रेडी टू वर्क, रेडी टू लर्न, रेडी टू वर्क, काम करने के लिए तैयार है, घंटे घंटे ओवर टाइम करने के लिए तैयार है, बहुत ज़बरदस्त एफर्ट डालेगा काम करने के लिए, रेडी टू लर्न, ठीक है। उसके बाद क्या है, बोल सकते हो ऑलवेज से यस, ऐसे बंदे को पसंद करते हैं कंपनी वाले, बिकॉज फिर वो खरीदे ना भाई अपना अपना सपना को पूरा करेगा, आपको दाल रोटी का जुगाड़ देगा, अपना सपना पूरा करेगा। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं जॉब का रियलिटी यही है। आप लोगों को फिर क्या करना चाहिए भाई, कई और ऑप्शन है, बिजनेस कर सकते हो, पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, एक्सपीरियंस के बाद स्टार्ट करना। लेकिन अब किसी का मतलब डिपेंड करता है कंडीशन कैसा है, फैमिली कंडीशन। आप लोगों को मैंने जॉब नहीं कराया, 5 साल जॉब करा यार, पैसे ही नहीं थे पढ़ने के लिए, जॉब पढ़ करके पढ़ाई करा, ठीक है। तो आप कंडीशन ही ऐसा है तो क्या कर सकते हैं, कंडीशन अगर अच्छा है तो जॉब करो लर्निंग पर्पस के लिए, उसके बाद कुछ अलग स्टार्ट करो। अगर दाल रोटी का घर में जुगाड़ नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, घर में दाल रोटी का जुगाड़ का प्रॉब्लम है ठीक ठाक, तो भाई डू समथिंग डिफरेंट जो आपको अच्छा लाइफ देगा। नहीं तो भाई कितने लोग जॉब कर रहे हैं आए चले गए तो क्या फर्क पड़ता है। ये सुन के खराब लग सकता है आपको, अच्छा भी लग सकता है,
मुझे नहीं पता इसके बारे में, बट ये रियलिटी है। बिकॉज मैं 5 साल नौकरी करा इस फील्ड में, लगभग मतलब बिना नौकरी का लगभग 6-7 साल हो गया मेरे को। सो आई कैन टेल यू अबाउट दिस थिंग्स, ठीक है। तो कुल मिला के है, अगर मान लो आप इस जमाने के अभी 2024 में पिंपस प्लेसमेंट करने सोच रहे हैं, तो जो आपको टिप दिया इस पर ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आप फेस करेंगे। बिकॉज कई लोगों ने इस चीज़ से सफ़र किया है, हर साल कर रहे हैं हजारों लोग, इसलिए आई हैव शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद यू, ठीक है। तो ये था पूरा, थैंक यू वेरी मच, आई होप सो आपको क्लियर हो गया। अच्छा, लास्ट में बताना चाहूँगा, अगर आपका एक चीज़ का प्रॉब्लम है वो क्या है, अगर पढ़ाई कर रहे हो इंग्लिश का प्रॉब्लम, तो भाई आपके सामने एक कोर्स है, 299 रुपीज़ का अभी प्राइस चल रहा है, ऑफर में है, 100 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। डिस्क्रिप्शन में उसका प्रोमो कोड और डिस्काउंट कोड है, उसको डाल दोगे 199 रुपीज़ हो जाएगा। इसमें 3 चीज़ें सीखने को मिलता है मेनली। स्पीकिंग सीखोगे बेसिक से, 0 लेवल से, यहाँ पर प्रैक्टिस भी है हर टेंस के बाद, ठीक है। उसके बाद इससे ऐसे टेंस नहीं सिखाया जो किताबों में, थोड़ा अलग तरह से सिखाया मैंने। उसके बाद रीडिंग स्किल है, कैसे पढ़ाई करेंगे इंजीनियरिंग, और राइटिंग स्किल, कैसे इंजीनियरिंग लिखोगे। ये राइटिंग स्किल और रीडिंग स्किल की वजह से बहुत सारे मेरे बच्चों का 20, 15, 30, 10 एटलीस्ट 5 to 10% मार्क्स जो है उनका इंक्रीज हुआ है। और मार्क्स काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है अपने लाइफ में, ये याद रखना। बिकॉज मार्क्स मार्क्स अगर सही नहीं है तो आप IIT का एग्जाम भी दे नहीं पाओगे, तो बाकी चीज़ तो क्या बताऊँ आपको। तो ये था पूरा वीडियो, थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर करिए, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। थैंक यू।